हेलो स्टूडेंट्स, हम आज डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो लीनियर वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन था उसको करा चुके थे, आज जो है होमोजीनियस फॉर्म का कराने जा रहे हैं। होमोजीनियस किसको कहा जाता है, कौन सा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, उस होमोजीनियस फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। होमोजीनियस फंक्शंस पहचानने के बाद उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है, उसको जानेंगे क्लास 12th का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको बीएससी में भी मिल जाएगा, बीटेक में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, पॉलिटेक्निक में भी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ये क्लास 12th के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये बाकी क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझिए क्या इसका कंसेप्ट है। सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस कब कहलाता है। सपोज कीजिए कि एक हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एक्स हमारा वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, एक्स वाई में वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर हमने फंक्शन एफ जो माना है एक्स कॉमा वाई में लिख लिया है। एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ एक्स वाई की पावर 2 है, और यहाँ एक्स और वाई दोनों का मिला करके पावर कितना है, 1 इसका 1 इसका, तो ये 2 हो गया। तो इसको हम हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज हम आप लोगों को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, जो क्लास 12th पॉलिटेक्निक, बीटेक, पॉलिटेक्निक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसका हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ें कि डिग्री क्या होता है। डिग्री और पावर दोनों अलग अलग चीज़ होती है। यहाँ पर जो पावर होता है वो किसी भी वेरिएबल का, हम लोग कोई भी पावर हो सकता है, लेकिन डिग्री की जब बात करते हैं तो वहाँ पर चाहे एक्स हो, वाई हो या जेड, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उन सब के पावर्स का सम कर देते हैं तब उस समय डिग्री निकल जाता है। इसके अलावा अगर कोई पॉलिनोमियल हाईएस्ट, कोई पॉलिनोमियल केवल वन वेरिएबल है, तो उस केसेज में उस वन वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। लेकिन जहाँ पर 2, 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन सभी वेरिएबल्स का पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, तो वही हमारा डिग्री हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो एक हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन हमने लिख दिया, पॉलिनोमियल लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक हमारा फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है इसमें 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं एक्स और वाई, इसमें भी एक्स और वाई है। क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है इसलिए इस फंक्शन का नाम हम कुछ भी मानेंगे, तो उसमें एक्स कॉमा वाई लिख देंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल्स होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy जेड, तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखते हैं। अब यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी है, इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिग्री हमारे पास है एक्स टू दी पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, वाई की पावर 2 दिख रहा है, ये एक सिंगल टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो ईच टर्म्स में हम लोग देखेंगे होमोजीनियस का मतलब जो भी हमारे पास डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो सब में क्या होगा, पावर। तो इस तरह से इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, जबकि इसमें एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 है, तो इन दोनों वेरिएबल्स का पावर मिला करके ये 2 हो जाता है, 1+1 2 हो जाएगा। तो हम लोग हर जो भी हमारा ईच टर्म्स है, यानी जो प्रत्येक पद है ईच टर्म्स में जो पावर्स है किसकी, वेरिएबल्स की, वो कितनी है, 2 है, तो इसको होमोजीनियस कहेंगे। और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह से कोई एक दूसरा फंक्शन हम मान लेते हैं, ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल्स में, यहाँ पर इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ऐसे दे दिया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारा एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 3 है, जेड की पावर 3 है, जबकि यहाँ एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, जेड की पावर 1, इन तीनों पावर्स को ऐड करेंगे तो याद जाएगा 3 आएगा। तो जब क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल्स के सभी टर्म्स में डिग्री सबकी सेम होती है तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस। यानी यहाँ पर भी एक पावर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इस टर्म में भी
पावर्स जो है सबका सम यानी एक्स वाई जेड को, तो जिसको कि मैंने बोला था कि डिग्री कहा जाता है, तो यहाँ भी डिग्री 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी सब जगह इसकी डिग्री जो है 3 है, इसलिए इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिग्री जो हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी, 3। अब अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन आ जाता है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम इसको वाई बाई एक्स के फॉर्म में, यानी कि अगर कोई फंक्शन हमारा एक्स कॉमा वाई है और ये जो है इसको हम एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या होता है, तब हम इसमें कहते हैं कि ये जो हमारा जनरल फॉर्म होता है होमोजीनियस इक्वेशन का, इसमें जो n लिख रहा है ये डिग्री है, ये डिग्री ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, हमारा डिग्री है। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम लोग उसमें करते क्या है कि जहाँ पर हमारा वाई होता है, वाई के जगह पर हम लोग ये पुट करते हैं, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। अब इसको ये फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट किया जाता है तो डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग को मालूम है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वी है तो वी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन यानी एक्स का हो जाएगा 1 प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी वी अपॉन डी एक्स, तो इसको ऐसे लिख लिया जाता है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर हम ये वैल्यू रख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो हमारा अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले हम गिवेन इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखने के बाद उसमें हम देखेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस अभी भी पहचाना जा सकता है, चेक करते हैं इसको। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ एक्स ई पावर 1, यहाँ भी 1, और इधर अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन करते हैं ना बाहर, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें से, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद चूँकि स्क्वायर रूट में है तो हमारे पास केवल एक वाई बचेगा और अंदर बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस वाई बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जब एक्स बाहर आएगा इस जगह से, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है अंडर रूट में, इसमें से भी अगर हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं तो यहाँ 1 प्लस ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और ये चूँकि होल का जो है स्क्वायर रूट है तो ये एक्स जो है एक्स स्क्वायर तो बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो एक्स बचेगा और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ भी देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी हमारा जो x की पावर है वो 1 है, यानी कि वहाँ पर भी जो डिग्री है वो भी 1 है। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि इधर लेफ्ट साइड के दोनों टर्म्स में x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यानी यहाँ पर डिग्री सबकी क्या है 1 है, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ हमने y बाई एक्स के फॉर्म में चेंज करके दिखा दिया, तो यहाँ भी x की जो डिग्री है वो कितनी है 1 है। तो इसलिए ये गिवेन इक्वेशन जो है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करके और तब इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन एक्स है डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम माइनस वाई को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, प्लस का वाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई भी टर्म रखना नहीं चाहते हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा कर देते हैं
कि ये राइट है, केवल डी वाई बाई डी एक्स रहे, इसके साथ में कोई भी कोफिशियंट ना हो, कहने का मतलब वन है। तो इसलिए इसके लिए क्या करेंगे, होल इक्वेशन में एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर भी एक्स से डिवाइड होगा तो वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस तरह का फॉर्म आ गया। और अभी मैंने इसको बता दिया था कि ये हमारा इक्वेशन जो है, और इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम लोग इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। इसको हम y बाई एक्स सेपरेट कर लिया, यहाँ पर x अंदर से x स्क्वायर जब कॉमन लिया गया था तो x बचेगा और अंडर रूट ऑफ इसमें बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हमने कॉमन लेकर के बताया था कि कैसे कॉमन लिया गया था, ये x कैसे हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो x बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इधर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे वाई बाई एक्स है और यहाँ कुछ नहीं है तो वन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये भी वाई बाई एक्स के फॉर्म में स्क्वायर रूट लगा है, तो ये हमारा जो है ये कितने का हो जाएगा, यहाँ एक्स की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स की पावर यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ भी एक्स की पावर जीरो लग सकते हैं। ठीक है, तो उस केसेज में हम क्या करेंगे, यानी ये होमोजीनियस है जिसकी डिग्री कितनी है जीरो, और इसको हम कैसे अब सिंप्लीफाई करेंगे, लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पर, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वी प्लस एक्स डी वाई बाई डी वी बाई डी एक्स, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन आता है, यहाँ पर वैल्यू रखना है इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख दिया वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर वाई बाई एक्स, वाई के जगह पर हमने वी एक्स रखा है और नीचे हो गया एक्स प्लस, इसमें भी रूट के अंदर जो हमारा टर्म है वन प्लस या जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमने वाई एस वाई के जगह पर ये वैल्यू रख दिया। अब ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से बचेगा वी प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, इस वी से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स और साथ में ये एक्स भी है, इधर बचेगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर। अब ये हमारे पास v और x में एक इक्वेशन बन गया और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको v वाले टर्म को v की तरफ और x वाले टर्म को x तरफ करेंगे, तो dx इधर चला जाएगा, x को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, और dv को इधर लाएंगे v वाले टर्म को, तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर और इधर डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इसके बोथ साइड से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये दोनों साइड्स में जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन होता है डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये होता है लॉग यहाँ पे मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक ए स्क्वायर की जगह तो वन है, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस, यानी एक्स की जगह वी है, तो वी प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, इसका मॉड इक्वल टू, ये होता है लॉग एक्स का, यानी कि लॉग ऑफ मॉड एक्स। और दूसरा जो टर्म आएगा, कोई ना कोई हमको कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जब भी हमारा डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होता है तो कोई इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना होता है, तो यहाँ हम लॉग सी लिख देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी ये फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन का, तो हम सी इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं मॉड लगा के, मॉड यहाँ भी लग सकता है, कोई ज़रूर नहीं है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मॉड लगा। इधर भी है लॉग मॉड ऑफ वी प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, दोनों साइड से लॉग को हटा देंगे तो आ जाएगा वी प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, जहाँ पे सी क्या है, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग वी की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना जाएगा v हमारे पास, यहाँ से हम लोग v कितना माने थे, y इक्वल टू, सिंस y इक्वल टू वी एक्स था, तो इससे अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो y बाई एक्स आ जाएगा, तो यही वैल्यू यहाँ y बाई एक्स रख देंगे, y बाई एक्स रखेंगे तो यह आ जाएगा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इधर सी एक्स, यही आंसर हो गया। लेकिन अगर और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इधर वाई बाई एक्स और इधर हो गया सी एक्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, एक्स होता है, इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, होल से होल इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई कर दें या तो यहाँ एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स, और इस x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है हमारा सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा